अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सबम गदस अपने नए व्लॉग के साथ। एज यूजुअल ये व्लॉग भी थोड़ा सा आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव है, स्पेशली गर्ल्स के लिए जिनको मेहंदी लगाने का और मेहंदी सीखने का ना अपने डिज़ाइन सीखने का शौक है। ये उनके लिए वीडियो जो है वो बड़ी यूजफुल होगी, आप लोग लास्ट में देखिएगा। ये मेरी जानने वाली कलीग हैं, मेहंदी लगाती हैं, ब्राइडल को भी लगाती हैं, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादातर लगाती हैं इंजेक्शन से। आज इंजेक्शन से नहीं लगाएंगी क्योंकि उसके लिए बेसिकली प्रॉपर तरीके से तैयार करना पड़ता है। नेक्स्ट टाइम जब मैं इनसे लगवाऊंगी वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी जिस तरह की ये डिज़ाइन बनाएंगी, आप लोगों को उम्मीद है कि सीखने में आसानी रहेगी और यूज़फुल रहेगी कि किस तरह से ये मेहंदी लगाती हैं। चलें अब स्टार्ट करते हैं। मेरी शादी जब हुई थी ना आज से 10 साल पहले, तब मैंने मेहंदी लगवाई थी। लड़का वो इंजेक्शन से लगवाने आया था और यहाँ से मैंने स्टार्ट करवाई थी यहाँ से। अब तो फुल स्लीव्स आ गए हैं ना, पहले हाफ बाजू होते थे, पता उसमें ज़्यादा नज़र आती थी। अब तो इतने से बाजू हैं तो मेहंदी यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। अगर भरा हुआ हो नहीं, ब्राइडल का अच्छा 5000 भी है। अच्छा, उससे आगे फिर वो जैसे डिजाइन होगा उस हिसाब से, ठीक है। और उसमें क्या पैकेज, मतलब क्या होगा, दोनों हाथ उल्टे सीधे पाँव सीधे दोनों पाँव होंगे? अच्छा, चारों साइडें। अच्छा अच्छा, तो ये जो डिज़ाइंस वगैरह हैं ये आप नेट से देखती हैं या कॉपी मंगवाई है? ये माइंड से, ठीक है। और अगर आपको कोई डिज़ाइन वगैरह दिखा के लगवानी चाहिए तो वो भी लगा दूँ? अच्छा, और वैसे कोई लगवाना चाहें तो नहीं, उसके रेट भी बताएं ना। नौ ये लाहौर में होती हैं, और जो लोग मतलब रखते हैं शौक मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को नंबर दे दूँगी। कर सकती हैं ना, घर चली जाएंगी ना, तो घर जाके ब्राइडल को भी लगा देंगे। इसके अलावा आप लोगों के फैमिली मेंबर शादी वगैरह में होंगे तो आप लोग लगवा सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम आपने ना इंजेक्शन से तैयार करके लानी है ताकि वो भी प्रोसीजर जो है ना लड़कियाँ सीखें। लड़कियाँ क्या, आप तो लड़के भी बड़े लगा रहे हैं, यंग लड़के। मैंने तो, मुझे भी वैसे यंग नहीं लगाई थी, लेकिन वो तब एक ही था उधर गुजरा वाला में ना, अब कल मुझे पता कि उसने भी ग्रुप बना लिया कहीं, कई लड़कियां तो इतनी शौकीन होती हैं। मैंने देखा वो इधर नेक पे भी, गर्दन पे भी बनवाती हैं। हुआ है कभी इस तरह से? सही है, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। दूल्हा भी लगवाता है कभी मेहंदी? अच्छा, तो मेहंदी आप लोगों की होती है या वो कस्टमर की होती है? ठीक है, ये और ये मेहंदी वगैरह जो है ये आप लोग खुद तैयार करते हैं या मंगवाते हैं कहीं से, कोई खास जगह है? वो खुद बनाते हैं, जहाँ से हम लोग मंगवाते हैं वो अपने जाने वाले। इधर लाहौर में या दूर से? लाहौर। वैसे मैंने सुना हुआ है हैदराबाद की, इधर कराची वाली साइड नहीं, वहाँ से स्पेशल मेरी सिस्टर वहाँ पे आती है, तो जब भी आती है ना हैदराबाद से भी आती है मेहंदी, और उधर वो अरक भी मिलता है, अब भी है अरक वगैरह भी। Keep
for your game. Highs and lows, highs and lows. So say, highs and lows, highs and lows. इनका 12 साल का एक्सपीरियंस है जी, ये 12 साल का एक्सपीरियंस नज़र आ रहा है और ये खुद ही अपने माइंड से ही डिज़ाइन ये कर रही है। मैंने इनको कोई डिज़ाइन दिखाया आप लोगों के सामने, और मुझे मेहंदी का बड़ा शौक है, मेरे हस्बैंड को वैसे शौक ही है, तो अब मेरी कम हो गई है, नहीं तो मैं मेहंदी लाजमी लगवाती थी थी। अच्छा जी, आप लोगों ने देखा कि ये मेहंदी लगाई है इन्होंने 8 मिनट में लगाई है, और बड़ा फास्ट एंड फ्यूरियसली इन्होंने लगाई है। मेहंदी का डिज़ाइन देखें, फिनिशिंग देखें, और ये देखें डिज़ाइन देखें कि किस मुनासबत से लगाई है। मुझे वैसे मोस्टली सिंपल सी पसंद है, ये थोड़ी भरी भरी है लेकिन अच्छी लग रही है, ये आप लोगों के सामने है। तो गर्ल्स अब चलते हैं, अब ये नेक्स्ट किस तरह का डिज़ाइन बनाती हैं, ये तो थोड़ा बराबर हो गया, अब देखेंगे। इंजेक्शन से इससे भी नफासत से उसमें तो बार बार आप लोगों को वो करनी है, इंजेक्ट करनी है, भरनी पड़ती होगी। हाँ जी, वो भरनी पड़ती है और उसका ख्याल बहुत रखना पड़ता है कि वो गिरे ना। और मैं कल बल्कि गई थी अपने किसी रिलेटिव के घर, वो लोग मुझे बता रहे थे कि जो इंजेक्शन वैसे हॉस्पिटल में यूज़ होते हैं वो वाला इंजेक्शन ही होता है, इसके और होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, मंगवाने पड़ते हैं वो। मेहंदी में डिफरेंट कलर आ जाते हैं, मतलब वो जो शाइनिंग के लिए। अच्छा, वो भी लगाती हैं, मतलब जिस तरह से ब्राइडल ने लहंगा पहना हुआ है सेम वो कर रही हैं। और इसका मतलब लगा के कितनी को देर रखने का होता है? घंटा डेढ़। घंटा डेढ़ तो उसमें कलर आ जाता है? कलर आ जाता है। हम लोग तो ये जब ईद वगैरह पे लगाते हैं ना, तो रात को लगा के तो सो गए, सुबह उठ के तो उतारते हैं। और अगर इस तरह हो के कलर वगैरह ना आए तो उसका कोई टिप हो कोई, उसका आ जाएगा लाजमी? नहीं, लाजमी आ जाता है, हमारी जो मेहंदी है उसका लाजमी आ जाता है। बाकी ये करते हैं लोग चीनी ऑयल, ऑयल भी करते हैं यूज, सरसों का ऑयल। It's all the same.
ले जी, इस तरफ इन्होंने बनाया है टिक्की वाला डिज़ाइन, जो कि हमारी रवायती मदर जो है वो बनाती होती थी पहले ज़मानों में, छोटी सी टिक्की होती थी। ये थोड़ा इन्होंने लेटेस्ट टिक्की बना दिया है। ये दोनों हाथों का डिज़ाइन है, इसका ज़रा बराबर है और इसका थोड़ा सिंपल है। तो ये मेरा मकसद बेसिकली गर्ल्स के लिए है, जिनको मेहंदी सीखने का, घर बैठे मेहंदी सीखने का शौक़ है, वो एक ट्यूटोरियल के तौर पर इनको, इन डिज़ाइन को देखें और अपने हाथों पे आप अप्लाई करें, या अपनी किसी फ्रेंड के कज़न पे आप अप्लाई करें। और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप मज़ीद मेहंदी का व्लॉग चाहते हैं तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि इनसे इंजेक्शन वाली जो मेहंदी है वो लगवाऊँ, और उसका प्रोसीजर भी आपको साथ साथ ट्यूटोरियल में बता दूँगी। ठीक है, अंटी द नेक्स्ट वीडियो मुझे सब हम गदस को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।